केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी साजिश किए जाने का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहता है। उन्होंने इस संबंध में देश के नागरिकों से अपील की। उन्होंने कहा, आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं, एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। वही स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस डिफेंस मोड पर आ गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। बता दें, जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर फाइनेंशियल टाइम्स में लिखे एक लेख में हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े किए थे। जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि अडानी की वजह से पीएम मोदी कमजोर हुए हैं और उनको अब संसद और निवेशकों को जवाब देना होगा। Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door for to push for much needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. Bureau Report, Big News.